तो जय श्री महाकाल। आप सभी बढ़िया होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। भारत में पर्यावरण को प्राचीन काल से पूजे जाने की प्रथा चली आ रही है। पूजा किए जाने के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। लोगों के जीवन में अहम भूमिका अदा करने वाली ये नदियाँ न जाने कितने ही सदियों से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। समय बदलता रहा पर नदियों ने अपना रुख कभी नहीं बदला। माँ गोदावरी इन्हीं नदियों में से एक है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिण क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबक तहसील की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गम होता है। गोदावरी को गंगा की बहन भी माना जाता है। गोदावरी के तट पर अवस्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। बता दें कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर मौजूद है। ब्रह्मगिरी अर्थात ब्रह्म और गिरी मतलब पर्वत, जो कि शिव का पर्वत के रूप में विराजमान है। गौतम ऋषि गंगा नदी को ब्रह्मगिरी लेकर आए थे। इस संबंध में एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक वन में गौतम ऋषि के आश्रम में कई सारे ब्राह्मण अपनी पत्नियों समेत निवास करते थे। एक बार किसी कारण से सभी ब्राह्मणों की पत्नियां गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपनी ये नाराजगी अपने अपने पतियों को सुनाई और गौतम ऋषि का उपकार व उपहास करने के लिए कहा। सभी ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की उपासना की। सभी ब्राह्मणों की उपासना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम को आश्रम से बाहर निकालने का वरदान मांगा। यह वर सुन गणेश जी ने सभी को समझाने का प्रयास किया पर ब्राह्मण अपनी बात पर अड़े रहे। यह देख गणेश जी को उन ब्राह्मणों की बात माननी ही पड़ी। ऋषि गौतम को आश्रम से निकालने के लिए उन्होंने एक दुर्बल गाय का भेष धारण किया। गाय आश्रम के निकट आकर फसल चरने लगी। गाय को फसल चरते देख ऋषि गौतम एक अंकुश लेकर गाय को हांकने के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वह तृण धीमे से गाय को स्पर्श किया, अब वह कारणवश गाय मर गई। यह देख सभी ब्राह्मण एकजुट हुए और ऋषि गौतम को हत्यारा कहने लगे। इसके बाद उन ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम और अहिल्या को वहां से जाने के लिए विवश कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि गौ हत्या करने के कारण अब तुम वेदों का पाठ करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋषि गौतम ने उनसे गौ हत्या जैसे पाप से मुक्ति पाने का उपाय मांगा। तो उन ऋषियों ने उन्हें उपाय स्वरूप यह कहा कि हे गौतम ऋषि, आपको इस पृथ्वी के 3 बार परिक्रमा करनी होंगी और 1 महीने का व्रत करने के पश्चात 101 बार ब्रह्मगिरी पर्वत, यह जो पर्वत है इसकी पूरी परिक्रमा 101 बार करने को कहा गया और फिर यही समीप गंगा जी को उद्गमित कर जल से स्नान कर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से, जो कि अभी 108 शिवलिंग यहाँ पर है, उसकी पूजा आराधना करके उसके बाद गंगा में स्नान कर ब्रह्मगिरी के 11 बार फिर परिक्रमा करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि 11 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने के पश्चात 100 घड़ों के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए भी कहा। इस तरह गौ हत्या के अपराध से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि गंगा को ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर लेके आए, जिन्हें गोदावरी नदी के नाम से जाना गया। ब्राह्मणों के कहे अनुसार ऋषि गौतम ने अपने सारे कार्य पूर्ण किए और अपनी पत्नी अहिल्या बाई के साथ भगवान शिव की आराधना करने के लिए बैठ गए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। वरदान के रूप में गौतम ऋषि ने मांगा कि हे प्रभु, उन्हें जो गौ हत्या का पाप है, मुझे इस गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। यह सुन भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि गौतम,
तुम पर छल कर गौहत्या का आरोप लगाया गया था, तुम सर्वथा निष्पाप हो और जिन ब्राह्मणों ने तुम पर यह आरोप लगाया है मैं उन्हें दंड देना चाहता हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले, हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, आप तो इस सृष्टि के संचालक हो, हे प्रभु, आप उन्हें कुछ न कहिएगा। उन्हीं ब्राह्मणों के छल के कारण ही तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप उन सभी को माफ कर दे और यहाँ सदैव के लिए त्र्यंबक पहाड़ी में आप स्थापित हो जाइए। यह सुनकर भगवान शिव गौतम ऋषि की वाणी सुन हमेशा के लिए यहाँ पर अपना अंश छोड़ गए और यहीं स्थापित हो गए। ऐसी और एक मान्यता है यहाँ की, यह जो कुशावर्त तीर्थ है माँ गोदावरी थी, तब गोदावरी रिवर में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब पाप से मुक्त तो होने के पश्चात ही यहाँ पर एक अलग ही शांति और एक परम आनंद की अनुभूति होती है। और त्र्यंबकेश्वर के बाद और नासिक से पहले यहाँ एक चक्रतीर्थ नामक कुंड भी हुआ करता था, जिसके स्थान पर गोदावरी नदी के रूप में आज असल में माँ साक्षात दिखाई पड़ती है, इसलिए इस स्थान को गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा और शानदार लगा होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक करिए। धन्यवाद। अमरनाथ यात्रा की याद आ गई है, बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत कुछ जानने लायक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली यहाँ पर, पौराणिक तथ्य मिले जिसे जानकर काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। पुराने राजा महाराजाओं के नाम भी और बहुत सारी चीज़ें। पानी पियो, बम बम भोले की जय लगाते रहो। जंगल बहुत है, अकेला ही हूँ, मजा बहुत है। हम एकला चलो रे। बिंगो तुम सस्ते नहीं, ताज मत दे छाती से। बम सी बम सी बम बिंग बिंग।